आज हम फे और काप की कहानी सुनेंगे। मैं तो हूँ फे, मेरी आवाज फा है, मेरे ऊपर एक नुक्ता होता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। फा फैसल अपने बड़े भाई के साथ बाजार गया। इसने अपने घर के लिए खूबसूरत फा फनूस भी खरीदा। फा फैसल ने फा फुटबॉल भी खरीदा। फुटबॉल खेलने के लिए फा फैसल अपने बड़े भाई को बाग ले गया। वहाँ उसने बहुत प्यारा फा फवारा भी देखा। फा फुटबॉल खेलने के बाद वो बाग से निकल रहा था कि उसने फा फर्श पर बैठे फा फकीर की मदद की। रास्ते में फा फैसल और उसके बड़े भाई ने फा फौजी भी देखे। फा फैसल को फा फौजी बनने का बहुत शौक है। उसने अपने बड़े भाई से कहा, मैं भी बड़ा होकर फा फौजी बनूंगा। फा फैसल, फा फनूस, फा फौजी, फा फवारा, फा फुटबॉल, फा फकीर, फा फर्श। अब मिले कॉफ से। कॉफ की आवाज को है, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। आए मेरे साथ कॉफ की कहानी सुने। का कुदसिया का कलीन पर बैठकर का कलम से लिख रही थी। उसकी अम्मी जान उसको दर्जी के पास लेकर गई। दर्जी ने का कुदसिया की का कमीज बहुत प्यारी सी थी। का कुदसिया को का कमीज बहुत पसंद आई। का कुदसिया ने उधर का कैंची भी देखी। आज ईद उल अजहा है। ईद के दिन का आगाज का कुदसिया ने का कुरान मजीद की तलावत से किया। फिर वो का कमीज पहनकर ईद के लिए तैयार हो गई। उनके घर में गाय की का कुर्बानी हुई। उसके बाद सारे घर वाले का किले की सैर पर चले गए। वापसी पर उन्होंने का कुल्फी भी खाई। का कुदसिया, का कलीन, का कलम, का कमीज, का कैंची, का कुरान मजीद, का कुर्बानी, का किला, का कुल्फी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।